आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में FPS को कैसे बूस्ट कर सकते हो, लिटरली इससे इसमें जा सकते हो। सो वेल, अगर आप लोग माइनक्राफ्ट वनीला खेलते हो और अगर आप लोग उसको डिफॉल्ट खेल रहे हो तो भाई क्या कर रहे हो। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको छोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। माइनक्राफ्ट एकमात्र ऐसा गेम है जिसपे भाई रेंडरिंग इतनी ज्यादा लगती है, लाइक GTA 5 से भी ज्यादा। क्या ये बात को मैं बिल्कुल भी मजे में नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ आज मैं ये चीज को फिक्स करने वाला हूँ और आप लोग का अगर लो एंड PC है या फिर लो एंड लैपटॉप है तो उस पर भी चल जाएगा आपका गेम अच्छे से। देखो बेसिकली माइनक्राफ्ट में दो चीज होती है, एक होता है ऑप्टिफाइन और एक होता है सोडियम, जिससे माइनक्राफ्ट गेम ऑप्टिमाइज होता है। 85% ऑफ द पीपल ऑप्टिफाइन को यूज करते हैं और लिटरली ऑप्टिफाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अगर तुम्हें लगता है कि ऑप्टिफाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा। लाइक अगर तुम लोग उस पर देखोगे तो FPS फ्लक्चुएशन कुछ ज्यादा ही होता है, तुम्हारे एकदम से 500 FPS आने लगेंगे और एकदम से 2-3 FPS पे पहुंच जाएगा गेम। और ये चीज हमें बिल्कुल भी चाहिए, इसलिए हम लोग जाएंगे सोडियम के साथ और सोडियम के साथ जाके हम लोग गेम को इतना ऑप्टिमाइज करेंगे कि कहां मेरे RTX 3060 Ti में 120 FPS आ रहे थे और कहां वो 1300 में पहुंच गए। और इन सब चीज का मैं एक एक करके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और एनालाइज करके दिखाऊंगा कि किस चीज में ज्यादा FPS आ रहे हैं। एंड रही बात ये जितने भी ज्यादा मॉड है तो इनको तुमको अलग अलग डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, मेरी वेबसाइट में मैंने इनके फोल्डर बना रखे हैं अलग अलग वर्जन से, 1.16.5, 1.20, 1.19.2 सबके लिए है, तुम लोग वहां से जाके आराम से डाउनलोड कर पाओगे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सब चीज करने से पहले सबसे पहले मैं तुम लोग को रॉ गेम प्ले दिखाता हूं। ये 1.20.1 वाला वर्जन है और आप लोग इस पे देख सकते हो मेरे कितने FPS आ रहे हैं, लाइक 100 FPS के आसपास है, जो कि RTX 3060 Ti के मुकाबले बहुत कम है। एक चीज यहां पर और ध्यान देने वाली है कि मैंने जो रैम एलोकेशन करके रखी है वो 1024 MB है, मतलब 1 GB के आसपास मैं रैम एलोकेट करके रखा हूं, मतलब कि गेम 1000 MB से ज्यादा लेगा ही नहीं। और इतने में मेरे 180 या फिर 200 FPS के आसपास आ रही है, लेकिन अभी इसी FPS को हम लोग करने वाले 1300, 1400 और 1500। अब यहां पर तुम लोग ये मान के चलना कि तुम्हारे पास कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है और तुम लोग की 8 GB के आसपास है और तुम्हारा सिंपल सा प्रोसेसर है, बिकॉज अब मेरे पास भाई ग्राफिक कार्ड लगा तो ग्राफिक कार्ड निकाल थोड़ी सकता हूँ। हालांकि मैंने अपने टी लॉन्चर में 512 MB को भी एलोकेट किया था, लेकिन देखो उसके बाद क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड से, फिर आगे चल के हम कुछ ऐसी सेटिंग्स में जाएंगे जिससे हम लोग FPS को रियली बूस्ट कर सकते हैं। तो वेल सोडियम मॉड तो तुम्हें सबसे पहले लगेगा ही, जैसे ये ऑप्टिफाइन होता है ना वैसे ही सोडियम भी होता है। वैसे सोडियम को बहुत कम लोग जानते हैं, बट सोडियम बेस्ट मॉड है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रहे कि हम लोग जितने भी मॉड चला रहे हैं ये सब फैब्रिक लोडर में चला रहे हैं, लाइक ये फोर्ज में नहीं है, फैब्रिक में चलेगा, इसलिए फैब्रिक API डाउनलोड करना जरूरी है। उसी के साथ लिथियम मॉड मेन्यू, सोडियम एक्स्ट्रा और स्टारलाइट को भी इंस्टॉल करना जरूरी है। वेल ये सब चीज के लिए तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैंने वेबसाइट में जो लिंक दिया तुम लोग इससे आराम से सबको एक ही क्लिक में डाउनलोड कर पाओगे। अब मैं चलता हूँ गेम के अंदर, जहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज वर्क कर रही है। ओके, तो सभी मॉड को लगा के मैं गेम में आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं म्यूजिक को कम कर देता हूँ। वेट, ओके मैंने म्यूजिक कम कर दिया है एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारे मॉड मैंने लगा दिए हैं। अब देखो सोडियम अकेले लगा देने से तुम्हारा गेम में मतलब ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो जाएगी। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ सबसे पहले कि FPS मेरे कितने आ रहे हैं। सो देखो अभी तुम लोग ऊपर FPS देख सकते हो 56-58 FPS आ रहे हैं। वैसे अभी गेम लोड हुआ नहीं है पूरी तरीके से, बट ये गेम लोड हो जान देते हैं हम लोग एंड 74-75 FPS आ रहे हैं। अभी VSync ऑन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वीडियो सेटिंग में जाके ना सबसे पहले मैं मैक्स फ्रेम रेट को अनलिमिटेड कर देता हूँ और VSync को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो अभी भी तुम लोग देख सकते हो मेरे 500-600 FPS आएंगे, ठीक है, जो कि सोडियम लगाने के बाद आम बात है। सोडियम लगाने के बाद ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत गेम वो हो जाता है, लाइक थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज हो जाता है। बट अभी देखो ये जो 700 और 500 FPS आ रहे थे कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं। लाइक अभी देखो 800 आ रहे हैं, अभी देखना एकदम से 500 हो जाएंगे। लाइक देखो देखो अभी मैं आगे बढ़ा, देखो 300 होगा, देखो कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। लाइक अभी यही चीज को हम देखो 149 हो गए, कहाँ पर 800 आ रहे थे कहाँ 149 हो गए। तो अभी देखो मैं तुमको बताता हूँ कुछ सेटिंग्स जिससे तुम लोग का गेम फ्लक्चुएट नहीं होगा और साथ में तुम लोग के 800-900 छोड़ो भाई 1000 FPS आएंगे। अब तुम लोग बोलोगे भाई तेरे पास तो ग्राफिक कार्ड है तो तेरे तो आएंगे ही, बट देखो मेरे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 500 FPS आ रहे हैं। तो लाइक देखो अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। यहाँ ऑप्शंस में गए एंड सबसे पहले तो FOV ठीक है और FOV से कुछ नहीं होता। सबसे पहले रेंडर चंक डिस्टेंस को तुम लोग 8 कर दो एंड ये सिमुलेशन डिस्टेंस को कर दो 5, ये कोई काम की नहीं है। ब्राइटनेस को कर दो 100%, ठीक है, और ये फुल स्क्रीन रहने दो, ठीक है। अब GUI इसको वो कर दो 3 और VSync को ऑफ ही रहने देना, ठीक है, नहीं तो वो तुम्हारे मॉनिटर के हिसाब से चलेगा। एंड मैक्स फ्रेम रेट अनलिमिटेड, व्यू बॉबिंग ऑफ और ऑटो सेव आइकन को ऑफ कर दो, ठीक है, ऑटो सेव इंडिकेटर को ऑफ, ठीक है, ये हो गया। एंड अब क्वालिटी में आना है एंड क्लाउड्स को ऑफ करना है और वेदर को तुमको करना है ये फास्ट एंड लीव क्वालिटी को भी तुम्हें फास्ट करना है। पार्टिकल को मिनिमल रखना है, स्मूथ लाइटिंग ऑन रहने देना, बायोम ब्लेंड को बंद कर देना, एंटिटी डिस्टेंस है ना इसको 50 रहने देना, अगर तुम लोग को 100 है या फिर 200 है तो इसको 50 कर देना, ठीक है। एंटिटी शेडो को ये बंद कर देना दोनों को और विग्नीट को भी बंद कर देना। डिस्टॉर्शन इफेक्ट सबसे बेकार होता है इसको बंद कर देना एंड FOV को भी बंद कर देना, ठीक है। अगर तुम्हें सच में FPS चाहिए तो ये सब चीज़ करना, तुम्हें मिन मैप लेवल को 0 करना है, परफॉर्मेंस में आना है, यहाँ पर कुछ छेड़ नहीं करना है क्योंकि एंटिटी कलिंग का वो है एंड एडवांस में भी कुछ नहीं करना है। एनिमेशंस तो ये सब चीज़ को ऑफ कर देना, ठीक है, ये जो लिखा ना इफ अनेबल एनिमेशन आर प्रोसीड तो इसको बंद कर देना, ठीक है। पार्टिकल्स में आना है एंड पार्टिकल्स में जो ऑल लिखा ना इसको बंद कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर चीज़ के पार्टिकल चाहिए ना तो तुम ऐसे ऐसे करके बंद कर सकते हो, लेकिन मेरे को अभी यहाँ पर किसी भी चीज़ के पार्टिकल नहीं चाहिए तो मैं सब चीज़ को ऑफ कर दे रहा हूँ। एंड फिर डिटेल्स में आना है एंड ये आपको स्काई को ऑन रहने देना है
लाइक देखो अभी मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ स्काई को एंड सन एंड मून को, बस ऑन रख रहा हूँ ताकि माइनक्राफ्ट गेम का फील कहीं ना जाए। एंड रेंडर में आना है और ये जो सिंगल फॉग लिखा है ना इसको तुमको बढ़ा के करना है ऑफ में, ठीक है, पूरा एकदम यहाँ तक ला देना तो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अब तुम लोग FPS में डिफरेंस देखना, ठीक है, अभी तुम लोग FPS एक्स्ट्रास में आके शो FPS को ऑन कर देना और एक्सटेंड को बंद रहने देना। नाउ अब तुम देखो, ये देखो माइनक्राफ्ट गेम मेरे को तो मेरी का देखो हजार भाई 1100 FPS टच हो रहे हैं लिटरली। अब तुम बोलोगे भाई तेरे पास ग्राफिक कार्ड भी तो है, लेकिन मेरा ग्राफिक कार्ड के होने के बावजूद 500 FPS आ रहे थे एक पॉइंट पे, लेकिन अब देखो मेरे FPS 1200। इन थिंग इज डेट कि माइनक्राफ्ट का जो लुक है ना वो भी बहुत खराब नहीं हुआ। देखो कई लोग स्मूथ लाइटिंग को बंद करवा देते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने स्मूथ लाइटिंग को भी बंद नहीं किया एंड सन भी कितना कूल लग रहा है भाई, फिर भी मेरे FPS देखो 1000 के ऊपर जा रहे हैं। तो अगर तुम लोग ये मान के चल रहे हो कि तुम्हारे 60 FPS आते हैं तो 60 से तुम्हारे 100 तो हो ही जाएंगे भाई आराम से, तो 1000 से ज्यादा ज्यादा 800 जाएंगे, ठीक है। देखो अभी मेरे 900 गए, ठीक है, लेकिन मैं इतने घने जंगल में हूँ फिर भी देखो मेरे कितने जा रहे हैं। अगर तुम्हें इसमें शेडर लगाना तुम लोग शेडर भी लगा सकते हो आयरिस से, एंड यहाँ पर मेरे को कुत्ता मिल गया, तो तुम ये चीज को जरूर ट्राई करना एंड बताना कि क्या तुम लोग को वर्क किया या फिर नहीं। देखो मेरा तो वर्क कर रहा है एंड मैं यही चीज करता था, एंड लाइक जब मेरे पास ना मेरा पुराना पीसी था तब भी मैं यही करता था, तो उस पे जहां पर मेरे 20 FPS आते थे वहां पर मेरे 60 FPS आने लगे थे, एंड यू नो जो बंदे के 20 FPS आ रहे हैं उसके लिए 60 FPS भी बहुत है। तो वेल अभी मेन बात आती है कि आप लोग को इसको डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, तो आप लोग मेरी वेबसाइट से जाके फाइल को डाउनलोड कर लेना अपने वर्जन के हिसाब से। अभी मैंने 1.20 वाली फाइल की है एंड उसके बाद आपको अपना माइनक्राफ्ट लॉन्चर खोलना है, एंड लॉन्चर खुल जाने के बाद देखो साइड में जो फोल्डर वाला बटन है ना ये फोल्डर वाले बटन पे क्लिक करना है और बहुत सारे फोल्डर आ जाएंगे इस टाइप से। तो नीचे देखो ये मॉड वाला जो है ना आपको ये मॉड वाले के अंदर जाना है और जो डाउनलोड किए थे उसको इसके अंदर मूव कर देना है, और फिर उसके बाद तुमको इसको एक्सट्रैक्ट हियर करना है। तो देखो मैं इसको एक्सट्रैक्ट हियर करता हूं यहां पर, एंड जैसे मैं एक्सट्रैक्ट हियर करूंगा तो देखो बहुत सारे मॉड आ गए यहां पर, और मैं एक काम करता हूं ये वाले को डिलीट कर देता हूं, एंड देखो इस टाइप से मॉड आ जाएंगे तुम्हारे, एंड उसके बाद तुमको इसको कट कर देना है, और फिर उसके बाद तुमको अपना गेम सिलेक्ट करना है, अपना जो भी वर्जन का मॉड डाले हो वो वर्जन का मॉड और फैब्रिक, जैसे मैंने 1.20 है तो 1.20 फैब्रिक कर रहा हूं मैं, और एंटर टू गेम कर देना। देखो तुमको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी आ रही है तो कमेंट करके बताना, और इतना करने के बाद ना तुम्हारे डेफिनेटली FPS बहुत बूस्ट हो जाएंगे। एंड यार मैंने एक दिन पहले बोल दिया था कि ये वीडियो 5 बजे आएगी, लेकिन थोड़ा कुछ इश्यूज की वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, उस चीज के लिए सॉरी। और अगर ये वर्क कर जाता ना तो तुम लोग नीचे कमेंट में आके बताना जरूर कि ये वर्क किया कि नहीं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको ये चाहिए। बाकी बीच वाली वीडियो में क्लिक करके देखो बेस्ट जावा मॉड्स, मैं मिलूंगा वहीं पर तुम्हें।